नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं राजा गार्डन के अंदर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, बहुजन समाज को बराबरी का हिस्सेदारी दी और बहुजन समाज को ही नहीं पूरे देश को संविधान दे के एक ऐसा काम करा ताकि सभी लोग बराबर की हिस्सेदारी पर आ सकें। और बाबा साहब के बाद जो कहा जाता है कि काशीराम साहब के लिए बहुत अच्छी बात कही जाती है, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, वही काम करने राजवीर सिंह दिल्ली के अंदर आए हैं। वो भी बहुजन समाज की सूत्री कौम को जगाने आए हैं और जब से आए हैं बहुजन समाज का सैलाब इतनी तेज़ी से आ गया है कि भाजपा कांग्रेस दोनों ही सोच में पड़ गए हैं कि ये व्यक्ति कहां से आया हुआ है। राजवीर जी, आपने हमें टाइम दिया, पहले तो इसके लिए धन्यवाद। और आप जी राजवीर जी, एक बात बताइए, आप जो यूपी में से थे और यूपी के बाद आप दिल्ली की बागडोर संभालिए, तो लोग कहते हैं कि आप हेलीकॉप्टर से या पैराशूट से आए हैं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात है यूपी से दिल्ली आने की, जी यूपी का जो फतेहपुर सीकरी का जो इलेक्शन था जी, वो भी माननीय बहन जी ने मेरे को दिया था वहाँ का आदेश कि आपको फतेहपुर सीकरी जाना है और वहाँ से इलेक्शन लड़ना। वह वहाँ गया, लेकिन समय की कमी के अभाव से जी, और चूँकि ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं था कि मेरे को वहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो पेपरों में कुछ कमी रह गई, उस वजह से मेरे को वहाँ से अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। जब वहाँ से नामांकन वापस लिया तो मैंने बहन जी का आदेश हुआ कि अब आप दिल्ली जाइए और दिल्ली से तैयारी करिए और वहाँ से आपको इलेक्शन लड़ना है जी लोकसभा जी। रवि जी, एक और बात बताइए कि आप यूपी से हैं और यूपी के बाद जो दिल्ली का रुख करा वो तो आपने बता दिया कि बहन जी का आदेश था, लेकिन अगर हम लोग यूपी की बात करें तो आप गठबंधन को कितना मजबूत समझते हैं और गठबंधन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कहां तक ये गठबंधन सक्सेस रहेगा और इस पर कितनी उम्मीदें हैं कि आज जो भारत देश की पूरी जनता, बहुजन समाज की पूरी जनता जो नजर गड़ाए बैठी है, तो उसका क्या है आपका नजरिया? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात है, देश में महागठबंधन की बात है, महागठबंधन पूरे देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। देश की जनता, ज़्यादातर लोग जो है वो गठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलके और राष्ट्रीय लोकदल मिलके ऐसा प्रदर्शन करने वाले हैं कि जो पिछली बार हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, अब वो इन्होंने मशीनों में सेटिंग करके कराया, जातीय धर्म के नाम पे लड़ा करके करा, कुछ भी करके जो करा, उसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है। इनको इस बार वहाँ से 10 से 11 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाली, 70 से प्लस सीटों पे गठबंधन जो है पूर्णतया जीत गया है, जीत करा है। बिल्कुल। राजवीर जी, एक बात बताइए, 24 साल बाद जो मुलायम सिंह यादव और बहन कुमारी मायावती एक मंच पर नजर आए, क्या कारण है कि दोनों एक दूसरे के एंटिक थे और एक मंच पर आके बहन जी ने भी बहुत से समर्थन की बात करी और सपा जो हेड है उन्होंने भी बहन जी के बारे में तारीफ करी, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात है कि 25 साल बाद में सपा और बसपा साथ आई है, उसका कारण यही है कि बहन जी जो है वो देश के लिए बहुत चिंतित है, देश के संविधान के लिए बहुत चिंतित है। जो ये सरकारी एजेंसियाँ इनका दुरुपयोग हुआ है और जो 5 साल में गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति और मुस्लिमों के प्रति जितने अत्याचार हुए, जिन पे गलत इलीगेशन लगा के उन लोगों को और जेलों में डाला गया, माताओं बहनाओं के साथ जो है बदतमीजी हुई, उन सबको देख के उनको लगा कि समाज के लिए अगर ये अच्छा साबित हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ आके और इस गलत सरकार को रोक सके, गलत नीतियों वाली सरकार को रोक सके जो जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाती है, तो उनको देश हित में उन्होंने ये अलायंस करा और ये अलायंस बहुत अच्छा करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी, जो आपने देखा होगा कि डे वन से वो बहन जी को बुआ जी कह के ही संबोधित करते हैं, बुआ का संबंध हमारे देश में कितना पवित्र माना जाता है, या आप और हम और पूरा देश जानता है जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।